हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजिंदर सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा हर्ष फैंसी फिश एक्वेरियम चैनल। तो फ्रेंड, पिछली बार मैं कुछ जावा बर्ड्स लेकर आया था, आज मैं उनकी प्रोग्रेस आपको दिखलाऊंगा। चलिए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम वाइट जावा की तरफ चलते हैं। ये वाइट जावा का पेयर है। फ्रेंड, थोड़ा सा कैमरा आड़ा टेढ़ा हो सकता है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हाथ नहीं जा पा रहा था। देखिए, वाइट जावा ने 4 एग दिए थे, जिसमें से के 3 हैच हो चुके हैं और अभी एक एग रह गया है। मेरे ख्याल से एग अनफर्टाइल हो गया है और इसको अभी हम बाद में चेक करेंगे। अभी तो 3 चिक्स निकले हैं, बहुत अच्छा। और अब हम ब्लैक जावा की तरफ चलेंगे। ये ब्लैक जावा का केज है, ये देखिए। और इसके अंदर 2 चिक्स मैंने देखे थे। दरअसल इसमें 6 एग दिए थे, जिसमें से कि 2 हैच हो चुके हैं। आज हम अंडे चेक करते हैं। जो तीसरा पेयर था उसके ये 3 एग हैं, जो काफ़ी टाइम से बच्चे नहीं निकले थे। मुझे डाउट था कि इसके अंडे ख़राब हो गए। फ्रेंड, एग ख़राब होने के कई रीज़न हो सकते हैं। मतलब जब मैंने ये पेयर परचेस करे थे तो किसी के यहाँ से आए थे और मैंने इनको सॉफ़्ट फूड खिलाने की काफ़ी कोशिश करी थी, जिस वजह से क्योंकि फ्रेंड सॉफ़्ट फूड में ही बहुत ज़्यादा तत्व हैं, जैसे कि आपका वाइल्ड एग हो गया, इस टाइप से नहीं खा पा रहे थे। ज़्यादा मेडिसिंस भी देना गलत है। तो देखिए फ्रेंड, मेरा शक सही निकला, तो ये एग ख़राब निकला, क्योंकि एक तरफ वाइट है और एक तरफ येलो। दरअसल एग ख़राब होने के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि डिवॉर्मिंग में इनकी प्रॉब्लम होना, जैसे डिवॉर्मिंग इनकी कराई थी वो सही से डिवॉर्मिंग नहीं होना, और कैल्शियम में कमताई होना। देखिए इसके आगे की साइड में रेड रेड है, यानी जो इसका अंदर चिक्स बना था वो बनते ही तुरंत ख़त्म हो गया था। अगर ये पूरा येलो होता और आगे की तरफ से, तब भी ख़राब था। अगर ये पूरा रेड रेड, क्योंकि इसको 20-22 दिन हो चुके हैं, मतलब ज़्यादा दिन बल्कि 25 दिन हो चुके हैं इसको, और 25 दिन में तो इसका जो हैचिंग हो जाना चाहिए था, तो इसी से अनुमान मैंने लगाया। अच्छा हाँ, एक बात और, लोग बोलते हैं 16-17 दिन में जावा के चिक्स निकल आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे यहाँ करीब 20 दिन के बाद सब चिक्स निकलना शुरू हुए थे। तो फ्रेंड, ऐसा कोई जल्दबाजी वाला काम ना करें। आप जब एग दिया है तो उसको नोट कर लें और थोड़ा सा धैर्य रहे, थोड़ा संयम बना के रखें। देखिए ये एकदम से सीधा खड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब वो 100% जो है ये ख़राब हो गया है अंडा। इसको अब फेंकना पड़ेगा और पेयर का देखते हैं। पेयर को दोबारा कैल्शियम मल्टीविटामिन देनी पड़ेगी। तो ये रहा फ्रेंड एग ख़राब होने का। मैं से फ्रेंड जानते होंगे एग चेक करना और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो मैंने आज आपको दिखलाया। और फ्रेंड, आज मैं आपको कुछ नई बर्ड्स से मिलवाता हूँ। ये देखिए इंडियन फिंच, ये काफ़ी अरसे से मेरे पास आ रही हैं। इनको थोड़ा सा फूड भी देता हूँ, रोज़ मेरी आदत है कि मॉर्निंग में 8 बजे इनके लिए फूड रख देता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है थी कि ये पहले 2 फिंच आती थी अभी कुछ दिन पहले, और अब ये 5 हो चुकी हैं। तो कल मैंने इसको गौर से देखा तो 3 इसके चिक्स थे। मुझे देख के वाकई बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड, ये सब करना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स पालने के साथ साथ हमें दूसरों का भी बर्ड्स का ख्याल रखना चाहिए। और इनके लिए मेरा यही रहता है कि एक मुट्ठी कंगनी मैं इनको रोज़ अलग रख देता हूँ। ये देखिए, ना डरती है ना कुछ, इनको पता है कि मतलब दाना वाना, क्योंकि जब ये चारों तरफ घूम लेती हैं इनको पता होता है कि दाना और पानी यहीं मिलना है। और फ्रेंड, मैं इनके जो पानी, थोड़ा सा आज मैंने पानी नहीं रखा, मैं भूल गया, और पानी में तो कभी कैल्शियम, कभी मल्टी विटामिन, कभी ली 52 मैं रख देता हूँ इनके लिए।
मेरी छत पर अक्सर आती हैं, दिन में कई कई बार आती हैं। अभी पहले दो आती थी, अब ये पांच हो गई हैं। देखिए ये इंडियन फिंच है फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है इनको देखने के बाद। इनको आदत है रोज़ाना आने की और खाने की।